खास मुलाकात में मिल रहे हैं बिहार पीसीएस परीक्षा में 25वीं रैंक प्राप्त करने वाले श्री चंद्र प्रकाश पांडे जी से, और इनका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। 11 क्लासेस परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, शुभकामनाएं। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत दिल से हार्दिक बधाई आप इस शानदार सफलता के लिए, के बारे में बताएं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश पांडे है। मेरे पिताजी का नाम हरिराम पांडे है। मैं रामपुर मोहन छपरा का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ प्राथमिक विद्यालय में हुई, उसके बाद नवोदय में से हमने 6 से लेकर 12वीं तक की परीक्षा पास की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं IIT लखनऊ से, उसके बाद मैंने 2 वर्षों तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर काम की। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए निश्चित किया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के उसकी तैयारी चालू की। अपने ग्रेजुएशन के दिनों के बारे में आप बताएं। ग्रेजुएशन मेरा लखनऊ से था। वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पहली बार हम लोग अपने जनपद से निकल के बाहर गए थे, लखनऊ गए थे। वहाँ पूरे स्टेट के लड़के आते थे, तो उनके जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी लोग, उत्तरी उत्तर प्रदेश के, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के बोलचाल, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, स्वभाव है, विचार है, वहाँ की कैसी मानसिकता है, इन सब को जानने को मौका मिला। साथ में टेक्निकल एजुकेशन हम लोग किए, उस जिससे हमारा एक ये उससे पहले था, हम लोग जब स्कूलिंग थे तो ये डिसाइड किए थे कि टेक्निकल कुछ करेंगे, जिससे हमारा एक बैकअप प्लान प्लान जो है हमेशा एक तैयार रहे, जिससे नौकरी वगैरह के लिए आसानी रहे। तो ये रहा और बहुत अच्छा रहा लखनऊ का, और हमारे ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जनरली सबका ग्रेजुएशन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जो हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बीटेक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने नौकरी किया, नौकरी के करते वक्त आपने क्यों निर्णय ले लिया कि हम लोक सेवा आयोग की परीक्षा देंगे और सरकारी पद प्राप्त करेंगे? बीटेक के फाइनल ईयर में हमारे कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो बहुत सारे हमारे साथियों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ और उसमें मेरा भी हुआ। कुछ साथी थे जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो दिल्ली चले गए इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। फिर उनमें से कुछ लोगों ने ये वहाँ जाकर डिसाइड किया कि हमें UPSC की तैयारी करना चाहिए। UPSC भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, और हम लोग बीटेक में बड़ा बदलाव की बात करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव, वहाँ से बदलाव, तो पहली बार वहाँ एक्सपोजर मिला दिल्ली में जाकर लोगों को। तो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो हम वीकेंड, चूँकि प्राइवेट नौकरी में सॉफ्टवेयर वगैरह में 2 दिन छुट्टी का प्रावधान है, सैटरडे संडे का, तो हम लोग वीकेंड वगैरह में उन लोगों के पास जाया करते थे। वहीं जाते थे करोल बाग में, जहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ वो कोचिंग वगैरह होती थी, तो वहाँ रात को वो सब बैठते थे, तो हम लोग की बात होती थी। तो मार्क्स की सिद्धांत, गांधी जी का सिद्धांत, ये सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेशन में ये हो रहा है, लोअर लेवल पे ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, पंचायती राज का ये है हाल, ये है, तो इसमें स्वाभाविक है धीरे धीरे एक वो जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। फिर कुछ हमारे साथियों का चयन भी हुआ, एक या 1.5 साल बाद चयन हुआ। थोड़ा सा कम ही रैंक था, लेकिन अब अगर आपके समकक्ष लोगों का अगर चयन होता है तो आपको लगता है कि आपको अंदर ये विश्वास आ जाता है कि शायद आपका भी हो सकता है। तो रुझान शुरू से वैसा था, और वहाँ जाने के बाद और वो पक्का होने लगा। फिर कुछ लोग का चयन हो गया, तो फिर लगा कि अरे चयन भी हो सकता है, ये विश्वास जो है वो आ गया। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा इधर भी देखते हैं, क्योंकि वो 9 से 5 तक की जॉब है, एक कमरे की जॉब है, आप किसी और के लिए कोडिंग करते हैं। कोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, IT सर्विसेज देते हैं, जैसे हम देखते हैं डिजिटल इंडिया का इस समय बड़ा स्कोप है, लेकिन उसमें फील नहीं आती है ना। जैसे आप ऑफिस में गए, काम करके आ गए, ग्राउंड में क्या चल रहा है, तो हम लोग एक ऐसे भी माहौल से जुड़े हुए थे, जैसे हम पंचायती राज के बारे में, तो हम खुद ही गाँव से आते हैं, तो पंचायत में क्या हो रहा है, BDO काम का क्या कर रहा है, तो उसमें बड़ा जिज्ञासा रहती थी। तो सोचे कि इसको भी ट्राई करके देखते हैं, इसमें अगर इतना लिवरेज है सीखने का, तो इन्हीं कारणों से अब हमने भी सोचा कि इसको भी ट्राई करते हैं। बीटेक की पढ़ाई का माध्यम तो अंग्रेजी रहता होगा, हाँ, इसमें आपने पढ़ाई का माध्यम कौन सा चुना? UPSC सिविल का जब हमने तैयारी का सोचा, तो उसमें मेरे अंदर ये दुविधा थी कि 12th तक हमने जो पढ़ा है वो हिंदी में पढ़ा है, और मोस्टली कंटेंट जो है अगर आप देखें तो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब हिंदी में होता है। तो हमने सोचा कि अगर भाषा अगर इसके लिए चेंज करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो हो गया था, तो टर्म्स वगैरह शायद ना पकड़ पाए, बहुत समय लग जाए, तो हमने फिर हिंदी वगैरह के लिए सोचना चालू किया। फिर मुखर्जी नगर गए, लेकिन अब दुर्भाग्य ये कह लीजिए उस समय और शायद इस समय भी थोड़ा मोड़ा
कि हिंदी माध्यम से बड़ा प्रिपरेशन में अगर आप सिविल का करना चाहते हैं चाहे किसी भी परीक्षाओं का करना चाहते हैं तो बहुत कठिनाई है, उचित कोचिंग नहीं है, अगर कोचिंग उचित है तो किताबें नहीं हैं, किताबें हैं तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे? जैसे आपको नेट पर सर्च करना है तो अंग्रेजी में करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे अखबार जो आते हैं जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो भी इंग्लिश में है, तो इतना सारा अभाव था। फिर हमने सोचा कि ये बहुत लंबा हो जाएगा, डेली ट्रांसलेशन और इंग्लिश, और इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाएंगे तो आपकी मजबूरी है, इंग्लिश बिना इंग्लिश के एडमिनिस्ट्रेशन आपका चलेगा नहीं। तो हमने यही डिसाइड किया कि इंग्लिश से ही चालू करते हैं, थोड़े दिनों तक दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे इसको पकड़ पाएंगे हम, क्योंकि इंग्लिश से काफ़ी कंटेंट भी है, अच्छी अच्छी कोचिंगें भी हैं और इंग्लिश का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। और दुर्भाग्य उस समय हमारे साथ ये था कि हिंदी माध्यम में उतना था नहीं, और आजकल भी मैं थोड़ा सा महसूस करता हूँ काफ़ी कुछ मटेरियल हिंदी में आ गया, कोचिंगें भी आ गई हैं हिंदी में, लेकिन फिर भी हिंदी का जो पढ़ला है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है मुझे। आपने तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्थान की मदद ली थी? हाँ जी हाँ, कोचिंग पहले मैंने डिसाइड किया था कोचिंग नहीं करेंगे, हिंदी माध्यम से अगर है जिस स्कूल वगैरह में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े थे, लेकिन सोचे कि कोचिंग भी अब उस समय एक ट्रेडिशन चलता है ना कभी कभी कि आपको कोचिंग लेना है तो जिससे थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाए, तो हमने भी डिसाइड किया कोचिंग करेंगे। तो फिर बाजीराम एंड रवि से हमने कोचिंग लिया, जिससे बहुत हेल्प भी मिला शुरू में, इनिशियल में जो फाउंडेशन बिल्डिंग होता है और मोस्टली इंग्लिश में, तो उसका फाउंडेशन बहुत अच्छे से बिल्डअप होने में बाजीराम रवि का कोचिंग इंस्टीट्यूट का काफ़ी रोल रहा। इस समय एक जैसे नया प्रचलन आ गया है जब से कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी चली है, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान, सभी जो ऑफलाइन कोचिंगें थी वो अपना ऑनलाइन पोर्टल डेवलप कर दी है, तो वो ज़्यादा मददगार है या ऑफलाइन वाली कोचिंग? देखिए दोनों के फ़ायदे हैं और दोनों के नुकसान हैं। ऑफलाइन वाले अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन ऑनलाइन का इतना अच्छा फ़ायदा है कि अगर आप कहीं भी रहें, कहीं से भी, इतना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आप घर पर रह रहे हैं, अगर आपको दिल्ली में जाकर अगर आप वहाँ का किराया, वहाँ का रहन सहन का अगर वहन नहीं कर सकते हैं तो वही कंटेंट आपको आपके घर पर भी मिल सकता है या आपके ऐसी सिटी में मिल सकता है जहाँ आपका रहन सहन और बाकी जो खर्चे हैं वो आपके पॉकेट वगैरह पे या आपके घर वगैरह उसको सहन बियर कर सकती है, पहली बार। दूसरी बार ये ऑनलाइन के मैं फ़ायदे बता रहा हूँ, इसका कितना फ़ायदा है। ऑनलाइन होने से जो सेंटर पनप रहे थे ना एजुकेशन का, वो हब और माफिया टाइप के जो हो रहे थे, अब वो एक टर्म होता है कार्टलाइजेशन का, जैसे पाँच लोग एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो पाँच लोग रेट निर्धारित कर देते हैं कि देखो हम 100,000 रखेंगे, तुम भी 100,000 रखना, 10-20 ऊपर नीचे या 5-5 ऊपर नीचे। ऑनलाइन आने से ये हो गया ना कि इसका इतना प्रसार हो गया ना कि इसमें इतने सारे प्लेयर आ गए, सब लोग इस समय डिजिटल, जिनको भी ज्ञान है वो डिजिटल मीडिया पे अपना पोर्टल खोल के, यूट्यूब चैनल खोल के वहाँ से ज्ञान बांट रहे हैं, और ये बहुत दूर तक, इसका फैलाव भी बहुत दूर तक। पहले क्या होता था कि एक खास वर्ग, यही फ़ायदा है कि और डिसेंट्रलाइज होने से अब हर एक गरीब बच्चा भी आजकल देख सकता है यूट्यूब पर फ्री के उसके चैनल्स हैं, उसका ज्ञान बांट रहा है, दूर दराज के लोग भी देख सकते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं देख सकते तो उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं, तो इससे रीच बहुत बढ़ा है और शिक्षा का रीच बढ़ा है जो कि बहुत एक सीमित वर्ग तक सीमित हो गया था वो कोचिंग और ऑफलाइन के माध्यम से, तो ऑनलाइन के माध्यम से ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि उसका रीच बढ़ा है। और अच्छे अच्छे जो अध्यापक थे जो किसी कोचिंग में नहीं जुड़ पाते थे किन्हीं कारणों से, हो सकता है किसी अध्यापक का कहीं नौकरी हो, वो पढ़ाना चाह रहा हो या ज्ञान बांटना चाह रहा हो जैसे आप, तो कैसे वो करेगा, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ेगा तो फिर अपना उसका जो अपना काम है वो नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन के माध्यम से वो घर पे वीडियो बना के वो अपने ज्ञान को बांट सकता है, लोगों को, बच्चों को लाभान्वित कर सकता है, तो ये बहुत सारा बहुत अच्छा हुआ एजुकेशन सेक्टर में। तो मैं तो ज़्यादा मैं बल इसी पर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए, आज जितने लोग पढ़े लिखे हैं जो ज्ञान को बांटना चाहते हैं किसी भी लेवल पर, आप प्राइमरी का पढ़ा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन का पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाइए, वीडियो बनाइए, पढ़ाइए, अगर आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी अच्छी बात है, नहीं जनरेट हो रहा है तब भी अच्छी बात है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के लिए आपके पास इतना स्कोप है जो पहले किसी घरानों में बंटता था, जैसे किसी माध्यम में बंटता है, उसके अलावा जाओ दिल्ली जाओ वहीं बंटेगा आपको वो प्रसाद एजुकेशन का। मुझे लगता है कि ऑनलाइन के माध्यम से ये बहुत क्रांतिकारी काम है, और ये कोरोना का मुझे लगता है कि बहुत सारा उसने नुकसान किया है भारत को चाहे विश्व को, लेकिन ये उसका वरदान है कि उसने ऑनलाइन जैसा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया और उसका फैलाव भी क्रिएट कर दिया, जिसके माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक जो लोग बांटना चाहते हैं वो, हाँ हम तो इसी मतलब आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जितने लोग हैं जिन लोग कहीं भी पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी का पढ़ाना चाहते हैं, 1-2 क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, वो बांटें और भारत को और एजुकेटेड बनाएं और ये रूरल एरिया को तो और बनाएं जो कि इतना पिछड़ा हुआ है, और हमारा एरिया भी। व्यक्तिगत हॉबी में चीज़ जानना,
कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान लें पढ़ाई से भी रिलेटेड और भी समाज में और क्या क्या हो रहा है। जैसे हम दिल्ली गए तो वहाँ हमें हॉबी चढ़ गया कि सिनेमा नहीं देखना है, थिएटर वगैरह देखना है। वहाँ दिल्ली में बहुत कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें जाना है, नाट्य वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको जानना है। अब बहुत सारे लोगों को जानने को मिला तो वहाँ क्या कल्चर है, वो कैसा सोचते हैं, ये बड़ा उत्सुकता रहती है कि हर एक आदमी क्या सोचता है किसी भी मुद्दे पर। उसकी अपने हो सकती है सोच, अगर रिक्शा वाला है तो वो महंगाई पर क्या सोच रहा है, अगर हाईफाई आदमी है तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या सोच रहा है। तो बड़ा मज़ेदार लगता है और सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात कि हर एक आदमी जीवन के बारे में क्या सोच रहा है, वो कितना परेशान है और क्यों परेशान है। जो ये सिविल सेवा परीक्षाओं का जो पैटर्न है जी, तो 3 साल 4 साल में पूर्ण होता है जी जी। इस समय तैयारी के दौरान तमाम तरह के मानसिक विकार उत्पन्न होते रहते हैं जी, खत्म होते रहते हैं जी जी। हम लोगों की पारिवारिक स्थिति उतनी सुदृढ़कारी है नहीं जी जी कि घर से दबाव ना रह रहा जी, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? अब कह लीजिए कि हम तो सौभाग्यशाली थे कि हमारे घर में कोई वैसा दबाव देने वाला था ही नहीं या है ही नहीं। हमारे तरफ ये कहावत है कि पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे, ठीक है यही आपके हाथ में। और ये लेकिन ऐसा है, बहुत सारे परिवार वाले लोग दबाव देते हैं, दबाव बड़ा वाजिब भी होता है। आप कितने साल तक तैयारी करेंगे अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो, अगर आप कितने साल तक तैयारी करेंगे जब गार्जियन को लगने लगता है कि नहीं आप पढ़ाई के अलावा आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कुछ और चीज़ ट्राई कीजिए, तो ये दबाव रहता है। लेकिन मुझे लगता है जिनको करना है वो सही में मायने में अगर वो मान रहे हैं कि उनको करना है तो इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं जो लोग अपने भी बल पर वो चीज़ करते हैं। और बाकी जिनको नहीं करना है एक दो साल ट्राई करके वो डिसाइड कर लें कि नहीं करना है किसी और फील्ड में करना है। हर एक आदमी खिलाड़ी नहीं हो सकता ना, हर एक आदमी पढ़ने वाला नहीं हो सकता, हर आदमी खेलने वाला नहीं हो सकता, हर एक आदमी बिजनेसमैन नहीं हो सकता है। तो आपने ट्राई कर लिया 2-3 साल, आपको लग रहा है कि अगर हमसे नहीं पढ़ाई हो पा रही है या नहीं हो पा रहा है तो दूसरा चीज़ देखिए, उसमें एक्सेल कीजिए जिसमें आपको अच्छा मन लगता है। मुझे लगता है ये सब रास्ते हैं, आपको अगर एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है या अपने आप को स्थापित करना है कहीं किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, एक प्रधानी के माध्यम से, चाहे किसी भी एक बिजनेस के माध्यम से, एक टीचर के माध्यम से, तो ये सारे रास्ते हैं। ये थोड़े एक एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाके आप बदलाव कर सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पर कहीं से बदलाव हो सकता है और आपकी लाइफ सही हो। अब अब्दुल कलाम थोड़े IIT में पढ़े थे लेकिन बने ना प्रेसिडेंट, DRDO में रहे, इसरो में रहे, ऐसे हजारों लोग हैं। मोदी जी नहीं थे ना, मतलब ऐसे श्रवण करते, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक दो लोग अभी वर्तमान में हैं तो उनका दे दिया हम, तो दबाव आ रहा है तो आप उनको समझिए कि सही में गार्जियन क्यों दबाव हमें दे रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों दे रहा है, वाजिब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर लग रहा है कि गार्जियन हमारे नहीं समझ पा रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि देखिए समय लगता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। अगर वो आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं तो आप ही के समकक्ष कोई है तो उनके माध्यम से उनको बताएं और हमें थोड़ा सा समय देने के लिए, ऐसा कह सकते हैं बच्चे। सिविल सेवा परीक्षा के बारे में कहा जाता है कि जैसे ये एक वही व्यक्ति इस परीक्षा को पास कर पाता है कि जो नियमित रूप से एक ही चीज़ को बार बार करने की समर्थता जिसमें हो जी जी। लेकिन आजकल देखिए चीज़ें अलग हो गई हैं, परीक्षा का पैटर्न कलर के लेवल का है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार लिखेंगे तो वही वाली बात होगी। लेकिन अब जो विषय जो पैटर्न 2011 के बाद सिविल सेवाओं का चेंज हुआ है जिसमें मानविकी सब जो विषय हैं उनको ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है, जैसे आपका हो गया इन्वायरमेंटल स्टडी हो गया जी जी, आपका इथिक्स वाला पोर्शन हो गया, ठीक। लेकिन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? सामंजस्य बैठाएं, एक्चुअली भारत में लॉर्ड मैकाले के बाद एजुकेशन की पूरा पद्धति चेंज हो गई है। एजुकेशन उससे पहले मॉरल डेवलप, एजुकेशन जैसे हमने एक बार विवेकानंद की किताब पढ़ी थी तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन का दो ही काम होता है, एक करेक्टर डेवलपमेंट करना और एक एम्पावरमेंट करना, तो यही उसका दो काम है। लेकिन लॉर्ड मैकाले जो कि अंग्रेज था, उसको यहाँ पे लोअर ब्यूरोक्रेसी में लोग चाहिए थे, क्लर्कियल जॉब में लोग चाहिए था, तो उसने एजुकेशन को ही एक माध्यम बना दिया कि इसी माध्यम से लोग, अब किसी को कैसे आप भर्ती करेंगे, तो एक माध्यम होना चाहिए ना गवर्नमेंट जॉब का। तो गवर्नमेंट जॉब का फैशन चल गया उस समय गवर्नमेंट जॉब, तो उन्होंने एजुकेशन को रिलेट कर दिया गवर्नमेंट जॉब से कि अगर आप 10वीं क्वालिफाई हैं तो आप क्लर्क हो सकते हैं, 12वीं क्वालिफाई होते हैं तो उससे ऊपर वाले बाबू हो सकते हैं। तो उससे वो इतना ढर्रा बैठ गया ना कि मतलब पढ़ाई का माध्यम ही होगा कि हमें कहीं ना कहीं एग्जाम निकालना है, जो उसका पीछे का संदेश है, जो उसकी शिक्षा है, जैसे हम बताएं ना कि एम्पावरमेंट और करेक्टर बिल्डिंग, तो वो दोनों छूट गया उससे। अब इन्वायरमेंट का आपके बहुत सारे लोग ज्ञाता मिलेंगे जो इतना सारा बोल देंगे लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में उसका प्रभाव नहीं है, वैसे एथिक्स वाला भी है
कि घंटों लोग बोल सकते हैं लेकिन एथिकल जीवन उनका उसका प्रभाव नहीं है, उतार नहीं है। जैसे बहुत पहले हम देखते थे लोग पढ़े भी नहीं रहते थे, उसके बाद भी बहुत एथिकल रहते थे कि बाबूजी हई कह ले बड़े तो हई मैं करेंगे बा, चाहे हई मतलब बड़ों का ये करना है छोटों का ये ऐसे रहना है। अब वो थोड़े एथिक्स का कहीं पढ़ाई किए थे, लेकिन उस समय पढ़ाई नहीं था तो सामाजिक रूप से वो पढ़ाई आ रहा था। और इस समय पढ़ाई चूँकि हो गया तो उसको पास करना है, उसमें नंबर लाना है, और जहाँ भी आपको नंबर या उससे वो कैपिटलाइज करना है या उसके कुछ गेन करना है तो आप उसमें ट्रिक ढूंढते हैं, उसका जो मूल तत्व है उससे आप दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में नहीं आता। तो संक्षिप्त बीटेक की पढ़ाई लखनऊ जैसे महानगर में जी, उसके बाद नौकरी आपको मिल गई दिल्ली में जी, वहाँ आपने रहकर तैयारी की जी जी, आपका बिहार पीसीएस में राजस्व अधिकारी के पद पर चयन हो गया जी, मान लीजिए कोई पिछड़ा इलाका मिल जाए जी, तो आप वहाँ अपने आप को कैसे संतुलित कर पाएंगे? हाँ, ये अब प्रश्न बड़ा गंभीर है क्योंकि इतने वर्ष अगर बाहर अगर आप रह गए, शहरी वातावरण में रह गए और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रह गए और अच्छी जगह पे, अच्छी जगह क्या, जगह सारी अच्छी हैं, आप कहाँ से रहते हैं तो पहले तो मुश्किल नहीं होती अगर हम जब गांव के परिवेश में थे या नवोदय वगैरह में थे तो गाँव का परिवेश था, लेकिन लंबे अरसे तक अगर आप शहर में रह जाते हैं जहाँ मूलभूत चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं तो छोटे गांव चाहे ऐसे इलाके जहां वो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं तो वहां समस्याएं होंगी और आपको एडजस्ट करने को पड़ेगा। लेकिन यही बात है ना कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप शुरू में तो शायद आपको नहीं मालूम होगा लेकिन एक डेढ़ साल बाद आपको तो मालूम हो ही गया होगा ना कि दिल्ली में हमेशा थोड़े नौकरी रहेगी, तो नौकरी तो अगर आप डीएम ही बनेंगे तो गाँव मतलब किसी ज़िले के ही बनेंगे, आप पौस ज़िले के तो बहुत बूढ़ा जाएंगे तब बनेंगे, तो आपको गाँव परिवेश में तो रहना ही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब भले आप मानसिक रूप से तैयार हुए हो नहीं हुए हो लेकिन आपको, और आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप व्यस्तता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कहीं भी जाकर अगर व्यस्त हो जा रहे हैं तो बहुत बारीक बारीक बाकी भी चीज़ें, वो ऐसा नहीं कहें कि आपको दिक्कत नहीं करेंगे, अब कोई बीमार होगा हॉस्पिटल नहीं है तो अभी से दिक्कत होगी 20 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल टाइम में अगर आप व्यस्त रह रहे हैं काम कर रहे हैं, काम के अलावा भी आप अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं और सही में कुछ बदलाव चाह रहे हैं आप तो आप बदलाव चाह रहे हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है इसका यही मूल मंत्र है, आप अपने आप को व्यस्त रखिए, अच्छा काम कीजिए, वहाँ से लोगों को मिलिए और जितना संभव हो उनको सर्व कीजिए, तो आप मुझे लगता है कि और मुझे लगता है कि आप किसी को सर्व करेंगे ना तो जो ग्रेटिट्यूड वो जो लोअर तबका जो है जो गरीब आपको देगा वो ग्रेटिट्यूड बाकी लोग नहीं देंगे, अच्छे शहर में अलग लोग कहाँ देंगे, वो अधिकार के रूप में आते हैं और सही भी बात है उनका अधिकार भी है, लेकिन जो खुशी जो आपको मिलेगी जो काम करके अच्छा लगेगा मुझे लगता है उसी तबके में आएगा, अब वही आपको बल देगा वहाँ रहने का, तो ये है। आपको बहुत से प्रतियोगी छात्र देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से जी, आपको क्या लगता है कि इसकी तैयारी जो सिविल सेवा की तैयारी है जी, इसको प्रारंभ करने का उचित समय क्या होना चाहिए और कितना समय लगना चाहिए? परीक्षा की तैयारी तो वैसे पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं होती है जी जी, लेकिन फिर भी एक औसत दर्जे की तैयारी जिसमें हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम सब समाप्त हो जाए संपूर्ण हो जाए तो कितना समय लगना चाहिए? पहला वाला क्वेश्चन कब से चालू करना चाहिए, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसलिए ये कठिन है कि ये हर एक अलग अलग आदमी पर अलग अलग तरीके से लागू होगा। अगर गाँव का लड़का है उसकी नज़र खुलते खुलते ही बहुत समय लग जाता है जी जी, तो वो कब चालू करेगा वो खुद जानता है क्योंकि कब उसकी नज़र एक्सपोज़र उसको कैसे मिलता है। अगर शहर का लड़का है तो उसको शुरू से एक्सपोज़र मिला है तो वो बहुत हद तक वो जानता है कि उसको किस फील्ड में जाना है, कि व्यापारी बनना है मुझे या इस कलर के जॉब में जाना है या यहाँ जाना है मेडिकल में जाना है या मतलब किसी विभाग में जाना है। गाँव का लड़का वो वाला है, भेड़ चाल वाला मोस्टली है क्योंकि उसको मालूम नहीं, एक्सपोज़र नहीं है, न उसके गार्जियन को एक्सपोज़र न उसको एक्सपोज़र है। भीड़ जहाँ चली गई तो बीटेक कर लिया, बीटेक कर लिया तो नौकरी मिल गई, नौकरी कर ले तो नौकरी में परेशानी लग रही है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा उधर देखते हैं क्या हो रहा है, तो उधर देखे तो अच्छा ये तो अच्छा लग रहा है इसको भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं, लेकिन ये है हाँ तो हम वही हिसाब बता रहे हैं। तो ये है कि आप अगर आप ट्राई यही कीजिए जो भी जहाँ भी बच्चा है वो ये ट्राई करे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़र में रखे, क्योंकि जितना एक्सपोज़र में रखेगा उतना उसको समझ में आएगा कि वो इंटरनली किस काम के लिए मतलब या उसका कितना झुकाव किस काम के लिए है। हर एक बच्चा क्रिकेटर नहीं हो सकता, वो भले एक किसी गली में खेल के छक्का उक्का मार दे लेकिन हो सकता है उसका झुकाव अच्छा दिमाग चल रहा हो वकीलगिरी में या बिजनेस में, तो एक हर एक आदमी का होता है इंटेंट कहाँ है, तो अगर वो ज़्यादा एक्सपोज़र करेगा तो वो ये बहुत जल्दी निर्धारण कर पाएगा कि मुझे किधर जाना है। तो ये निर्धारण का समय मुझे लगता है कि ज़्यादा अगर आप एक्सपोज़र करेंगे तो उससे वो सुनिश्चित हो जाएगा कि आप 20 में स्टार्ट कर रहे हैं या 25 में स्टार्ट कर रहे हैं,
और 30-32 के बाद ऐसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एज ही ख़त्म हो जाती है, उससे वहाँ होगी। तो ये सही है, 24-25 में अगर आप चाहते हैं, अगर बहुत पहले से चाहते हैं, ग्रेजुएशन से ही चाह रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, तो ग्रेजुएशन से लग जाइए, उस समय आपकी अवस्था 20-25 के आसपास होती है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो 20 से लग जाइए। मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप नौकरी में हैं और चाह रहे हैं कि इन सेवाओं में आना है, तो आपकी उम्र 25 के आसपास हो जाएगी। ग्रेजुएशन बीतते बीतते नौकरी पाते, एक दो साल उसमें धक्के खाते अगर आपको लग रहा है तो 25, लेकिन 25 के बाद भी अगर आप चाह रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि सफलता वगैरह के लिए अब जब तक एलिजिबिलिटी है तब तक मुझे लगता है कि आप एलिजिबल हैं, 30 से भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही खुद सोच के दी है 32 साल, तो उसको लग रहा होगा कि अगर 27-28 से ही चालू करना था तो 32 नहीं देती। लेकिन ठीक है, अगर बहुत लेट से अगर आप चालू करेंगे तो बहुत ज़्यादा दबाव में रहेंगे, परिवार वाले दबाव देंगे कि भाई आप इतना दिन बाद अब एक नया एक्सपोजर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे उम्र होते हैं जो आप ठहराव में जाते हैं, आप सेटल होते हैं लाइफ में, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो 25 हो जिस तक ट्राई कीजिए कि निर्धारण कर लीजिए, बाकी अच्छा करना है तो कभी भी कीजिए, 31 साल से भी कीजिए, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा करने के लिए तो हमेशा प्रोत्साहन होना चाहिए, और ऐसे बिहार वहार का इस पर मत कीजिए क्योंकि उसका उम्र 37 है और यूपी में 40 है। तो अगर PCS OCS का करना है तो 30 से पहले कीजिए, क्योंकि अगर उधर उस खेमे में चले जाएंगे तो 40 के बाद छूटेंगे। हाँ, तो उसमें उम्र ज़्यादा हो जाती है, इलाहाबाद के किसी व्यक्तिगत लोगों का इंटरव्यू लेंगे, अक्सर लोग 35-35 के होते हैं, 35-36-37 भी होते हैं, क्योंकि ऐसा पड़ाव बढ़ जाता है ना कि इंटरव्यू दे के आए हैं, अब नहीं हुआ 2-3 नंबर से तो कैसे छोड़ा जाए, इतना पास चले गए हैं। तो बढ़िया है, 30 से पहले आप डिसाइड कर लीजिए। ग्रेजुएशन में है, आपको मन कर रहा जाने का, तो ग्रेजुएशन से डिसाइड कर लीजिए। ऐसे भी आप BA वगैरह करेंगे किस काम के लिए, उसका कोई लाइसेंस का होने वाला नहीं है, तो सिविल और बाकी सेवाओं की तैयारी करने के लिए होगा, तो बढ़िया है, इसी मकाम से तैयारी कीजिए। एक और बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिदिन कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप तैयारी के दौरान कितने घंटे प्रतिदिन देते थे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शुरुआत में चीज़ें जब नई होती हैं तो आप उसमें मन लगाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें आपका जो अवधि है बैठने का पढ़ने का वो ज़्यादा होता है, तो आप 10 भी घंटे पढ़ते हैं, बढ़िया मिल गया कुछ कंटेंट वगैरह तो 12-12 घंटे में आदमी रम जाता है, वैसे सूधी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें पुरानी होती हैं, तो खेल तो वही है ना कि जब आदमी किसी भी विधा में पुराना होने लगता है तो उसका जो लड़ाई है बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया में हो जाती है, अंदर चल, क्योंकि जो पढ़े इतना बार पढ़े कि पढ़ने का फिर दोबारा मन नहीं, क्योंकि नयापन नहीं है और दिमाग नयापन खोजता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो अभी शुरुआत कर रहा है उसको कम से कम 8-9 घंटे पढ़ना चाहिए, और जिनको आदत सिर्फ आधे घंटे की है वो आधा आधा घंटा करके बढ़ाएं, क्योंकि आधे घंटे पर कंपटीशन होगा नहीं, झूठे अब इलाहाबाद में खाना बनाना सीख जाएंगे हाँ तो उसमें होगा नहीं, तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि शुरुआत के दिनों में तो आप जितना पढ़ सकते हैं उसमें घंटा और सुई मत रखिए, अगर घंटा आप निश्चित करना चाहते हैं तो 8 घंटे से कम कभी मत करिए, शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उससे कम कर रहे हैं तो मतलब आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही जब आपका जीचे नया है उसी समय अगर आप घंटा कम कर लेंगे तो फिर रुझान ही जो है चीज़ों का ना, क्योंकि जैसे जैसे अवधि बढ़ेगी ना रुझान कम आपका होगा, फिर वो घंटा अपने आप कम होने लगेगा। तो शुरू में ही आप 4-5 घंटा पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके आधा आधा घंटा पर हो जाएंगे। तो शुरू में तैयारी के दौरान आपके सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौती? शुरुआत में तो वो माध्यम वाला चुनौती था, दूसरा पहले लगता था कि हम ही 30 मार्क खाए हैं, लेकिन बाहर गए देखे कि बहुत सारे लोग 30 मार्क खाए हैं, तो ये चुनौती रहती है जब आपके कंपटीटर वगैरह बहुत होते हैं और आप जानते हैं धीरे धीरे आपकी वास्तविकता समझ में आती है तो ये दिक्कत होती है। फिर असफलताएं जब मिलना चालू होती हैं, खेल वहाँ से चालू होता है जब आप असफल होने लगते हैं, तो पहले घर और वालों का, पहले रिश्तेदारों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा, सबसे पहले वो कहते हैं कि बहुत साल तैयारी कर लिए तुम, ये चुनौती है। मुझे लगता है बहुत सारे हमारे मध्यम वर्गीय जो भी छात्र होंगे वो जरूर मुझे सुनेंगे तो समझेंगे इस बात को कि चुनौतियाँ कैसे आती हैं, चुनौतियाँ पहले बाहर से आती हैं फिर वो अंदर तक कैसे घुसती है, फिर एक दो साल अब खुद आप फेल हो रहे हैं ठीक है, तो जो दूर वाले हैं उनको भरोसा टूटेगा, फिर वो घर वालों का भरोसा टूटेगा, फिर अपन आपको भी डाउट होगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है कि इतने सालों से हम फेल हो रहे हैं, बाकी लोग का तो हो ही रहा है, आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, डगमगाएगा। लेकिन यही हम क्या कर सकते हैं, मतलब फेल हो रहे हैं, अगर आप मतलब मुझे लगता है गीता वाला वो जो उपदेश है कर्म कर फल की इच्छा मत रख, मुझे लगता है उसी को आपको आत्मसात करना, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप पढ़ाई के अलावा, चाहे आप कुछ भी परेशान हो, यही कर सकते हैं कि छोड़ के कुछ और ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें एक समय आ गया है जब हमें छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहिए, वो भी अच्छी बात है, आप किसी से बैठ के जो भी आपको लगता है जानकार है चाहे घर वाले हैं उनसे बैठ कर ये विचार कर लीजिए,
बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, यूपी में खींचेंगे 40 हो जाएगा, तो वो जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ब्रेक चाहिए होता है। अब जैसे यूनियन की तैयारी करते हैं तो 32 में आपको यूनियन ब्रेक दे देगा, स्टेट विशेष की तैयारी करते हैं तो उसका ब्रेक थोड़ा सा आगे है। तो ये सुनिश्चित कीजिए, असफलता वगैरह तो आती रहेगी, तभी तो मजा आएगा सफलता का, तो ये भी है। और अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, यूट्यूब पर चैनल अच्छे अच्छे वीडियो देखिए, हमारे गुरुजन वगैरह हैं इनके वीडियो भी देखिए कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, एक विधा में पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। हर एक आदमी ये थोड़े एक एडमिनिस्ट्रेशन से ही जाके अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो यही करें कि अपने आप को इम्पावर कीजिए और स्किल्ड कीजिए। ज़रूर अगर आप मुकाम बनाना चाह रहे होंगे ना, 100% बनाएंगे, ये कोई एक रास्ता नहीं है, है ना, ये विश्वास अपने आप रखिए। और पैसा, पैसा तो आज लोग आलू बेच के कमा रहा है और आप तो इतना पढ़े हुए नहीं, अब यही दो है ना, शिक्षा कमाते में यही हो गया, आपको पैसा कमाना है, दूसरा अगर पैसे से ऊपर है तो मुकाम बनाना है, तो मुकाम के यही एकमात्र रास्ता है नहीं, और पैसा कमाने का भी एकमात्र रास्ता ये नहीं है, तो फिर आपको डर किस बात का है। हम तो यही कहेंगे कि फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा बहुत अच्छा बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें आप मुकाम भी बना सकते हैं जिस भी माध्यम से, ये एकमात्र माध्यम है, आप परेशान मत होइए, किसी और माध्यम से बना सकते हैं मुकाम, ये है। ये आपका कौन सा प्रयास था? बीपीएससी में तो मेरा प्रथम प्रयास है, और पहले आपने बीपीएससी में यूनियन वही जो अब दबाव से वहीं से चालू करेंगे हम, हाँ। कि हम पर भी वही दबाव वगैरह कोई कहा नहीं डायरेक्टली, लेकिन दबाव अपने से भी पड़ता है कि भाई आप कहीं ना कहीं तो सेटल होइए, उम्र का वो भी पड़ाव है, तो आदमी पीसीएस वगैरह कभी देता रहता है। पीसीएस का समय आया और यूपीएससी के बाद एग्ज़ाम इसका था, तो उसमें दे दिए यूपीएससी के बाद एग्ज़ाम, थोड़ा सा कम ही पढ़ लिख के दिए लेकिन दे दिए उसमें, तो ठीक है। वही कहते हैं ना कि पढ़ाई वढ़ाई की अगर पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता ही है, तो उधर का इधर यूटिलाइज हो गया, तो इधर चयन हो गया, अभी यूनियन में तो बाकी है चयन, तो ये है। तो इसे ये यहाँ बिहार में प्रथम प्रयास था मेरा। जो भारत का हमारा विकास मॉडल है वो शहर केंद्रित हो गया है, इसी को मद्देनजर रखते हुए जो राजधानी परिक्षेत्र बनाए जाते हैं, कैपिटल रीजन, जी जी, तो उसको आप किस तरीके से एक प्रशासक होने के नाते कैसे आप उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे? मान लीजिए कि हम लोगों का गृह जनपद बलिया है, ठीक, बलिया मेन शहर में शिक्षा का स्तर कुछ और है, सारे कोचिंग संस्थान यही हैं, कोई बैरिया का छात्र उसको अगर शिक्षा देनी होगी या उस तक शिक्षा को छोड़ दीजिए, तो ऑनलाइन पोर्टल हो गए हैं, माध्यम हो गए, कोई जैसे जन सुविधा उन तक पहुंचानी होगी, तो आप उसको पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति तक क्या अपने तरीके से प्रयास करेंगे? देखिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं अब ब्लॉक लेवल पर आती है, विलेज लेवल पर आती है, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तो आप उसके इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करेंगे कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो, जिनको वो सुविधाएं मिल रही हैं उनको सही से मिल रही है कि नहीं, उनकी जो शिकायतें हैं वो सही समय पे दूर हो जाएं। ज़्यादा आप एक स्टेप फॉरवर्ड ये कर सकते हैं कि आप जागरूकता अभियान चला सकते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा सकते हैं कि आप ग्रामवासियों को यहाँ पे ये सुविधा मिलती है, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, आप यहाँ पे जाएंगे तो आप इतने समय में आप कर सकते हैं। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तो आप इतना ही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो सर्विसेज हैं चाहे सुविधाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एज ए इसको हटा के अगर हम देखें एज ए क्या सुझाव हो सकता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ही सुधार है। जैसे पंचायती राज में आप पॉलिटिकल पावर दे दिए, वैसे इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। पंचायत को बहुत सारा अभी भी पावर है, लेकिन जो फंड का जो फिल्ट्रेशन है ऊपर से नीचे तक नीचे आता है, तो कुछ ऐसा फंड का भी मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि पंचायत लेवल पर फंड हो, ग्राम सभा, यही देखिए हम वही फिर से घूम के आएंगे कि जितना इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा कि सुविधाओं का चाहे हर एक चीज़ों का, पंचायती राज में बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राम सभा की मीटिंग होना चाहिए साल में दो बार, कहीं नहीं होता है यहाँ पर, तो यही कहना कि जो चीज़ें पहले से प्रावधान स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर की कमी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन। और मुझे लगता है कि नेल्सन मंडेला एक बहुत अच्छा लाइन बोलते थे हमेशा कि दुनिया के हर एक समस्याओं का हल शिक्षा है। अगर आप सबको एम्पावर कर दिया या शिक्षित कर दिया अधिकारों के प्रति चाहे उनके अपने कर्तव्यों के प्रति, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान तो आप मतलब बिना खर्चे के कर देंगे, चाहे बहुत कम खर्चे के कर देंगे। जब नागरिक जागरूक हो जाएगा, वो कहेगा कि हमें राशन कार्ड चाहिए, हमें राशन चाहिए, या हमें अभी आरोग्य सेतु जो बना है ऐप चाहिए, उस पर डेटा चाहिए हमारा, आयुष्मान भारत से हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ उसमें हमें बिल्डिंग चाहिए, हमारा लेटरिन चाहिए, तो अगर वो जब डिमांडिंग हो जाएगा, आप साउथ में देखिए वहाँ के गांव वगैरह रिलेटिवली विकसित क्यों है हमारे यूपी बिहार से, क्योंकि वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, हर एक घर में एजुकेटेड लोग हैं, लोग एम्पावर हैं, वो अपनी सुविधाएँ जानते हैं, हमारे किसान भाई
हरियाणा और पंजाब वाले बॉर्डर पर अभी भी MSP के लिए आके डेरा डाले हुए हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी MSP वगैरह पर बहुत कम खरीदारी होती है। तो यही इम्पावरमेंट है, अगर इम्प्लीमेंटेशन है, अवेयरनेस है, तो सरकारी कर्मचारी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है बेहतर ढंग से, वो तो वहीं से बदलाव कर सकता है। समाज के और भी बाकी जो वर्ग के लोग हैं, प्रधान हैं, चाहे जो भी लोग इस टाइप के सोशल कार्यकर्ता लोग हैं, टीचर बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, वो कहीं से भी शिक्षित करें, एम्पावर कर दें, एक एक स्कीम ही बता दें यूट्यूब पे, शायद कोई घर का बच्चा देख ले तो वही जान जाए कि अच्छा ये हमारा अधिकार हमें मिलना ही चाहिए। सब लोग नहीं बोलेगा, एक आदमी बोलेगा, हमारे देश में देखा देखी वाला बहुत हिसाब है, तो उसी हिसाब से ज़्यादा लोग बोलने लगेंगे। तो ये सुझाव है कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्लस्टर जो बन रहा है, तो क्लस्टर से डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे ही होगा, जब लोग शिक्षित होंगे, जब डिमांड करेंगे कि हमारे यहाँ भी बढ़िया सड़क होनी चाहिए, पक्की सड़क होनी चाहिए, पानी वगैरह जो बेसिक सुविधाएं हैं, तो वही उसी से होगा और एजुकेशन से होगा। अगर एजुकेशन खस्ता है कुछ नहीं होगा, लोग को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और सुविधाएं से वंचित किया जा सकता है। अच्छा, आप देखते हैं कि सरकार बदलती है तो जिलाधिकारी बदल जाता है जी, तो इसको हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जी जी प्रशासन और राजनीतिक गठबंधन के रूप में देख सकते हैं जी। तो प्रशासनिक दबाव आपको एक रहेगा जी, और एक राजनीतिक दबाव रहेगा जी, और एक वहाँ के स्थानीय नेताओं का दबाव। सामान्य स्तर पर देख रहे होंगे कि सरकारें बदलती हैं जी, उनका प्रिय कोई अधिकारी होता है, वो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या जिलाधिकारी पद पर तैनात होते हैं। जैसे ही सरकार जाती है वो अपना ऑफिस का काम क्लर्क के रूप में अधिकारी बन जाता है जी। आजकल जो हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया या राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ आम घटनाएं दिखती है कि जिस अधिकारी का किसी राजनेता या राजनीतिक व्यक्ति से साठगांठ नहीं है, उसको नौकरी कर पाना तो दूर की बात है, जान गंवानी पड़ती है। आप समाचार चैनल में बार बार देखते हों, बिहार जैसे प्रांत में जहाँ पे यह दबाव और दुगना तिगुना रहता है जी, आप कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे? सामंजस्य अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें बात की, इंडियन ब्यूरोक्रेसी का डेडिकेटेड फॉर्म, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमारा है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको आपको रिपोर्ट करना है, या रिप्रेजेंटेटिव आपसे रिपोर्ट मांग सकता है, या आपके ऊपर उसका अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये एक प्रावधान ही है। अब इसका ये है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है आपके ट्रांसफ़र का, आपके सस्पेंशन का भी पावर है, और उनके ऊपर से अगर अधिकारी वगैरह गण वगैरह मिल गए, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी एक अच्छा खासा आपके पास स्कोप होता है। मुझे लगता है कि हर आदमी आपके डे टू डे बिजनेस में, आपके डे टू डे कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगा। और एक बड़ा ऐसा मुद्दा आता है जहां आपको प्रशासनिक दबाव हो सकता है या पॉलिटिकल दबाव हो सकता है, तो आपके कलीग रहेंगे, आपके सीनियर रहेंगे, और ऐसे भी ब्यूरोक्रेसी में हमारे यहाँ बोलते हैं हायरार्कियल ब्यूरोक्रेसी, जब आपके ऊपर का अधिकारी अगर आपको ऑर्डर दे रहा है तो आपको मानना ही है, आप वहाँ व्यक्तिगत रूप से ये नहीं डिसाइड करेंगे अरे ये उचित नहीं है अनुचित नहीं है, क्योंकि वो आदेश है और आपको मानना पड़ेगा। अब ये उसके उनके ऊपर है, उनके व्यक्तिगत ऊपर है कि वो एथिकल है या मोरल है कि नहीं, लेकिन जहाँ आपकी डिस्क्रिप्शन की बात आती है, जहाँ आपकी स्वेच्छा की बात आती है, तो आप वहाँ ट्राई करेंगे कि चीज़ें बेहतर ढंग से हो। जब तक ऐसा दबाव नहीं है, आप तो अपने इमीडिएट बॉस का सुनेंगे कि आपका बॉस क्या कर रहा है, अगर बॉस कह रहा है तो वो तो फिर ऑर्डर हो गया, सरकारी ऑर्डर हो गया, आप उसके अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर बॉस ऐसा नहीं कर रहा है तो आपका डिस्क्रिप्शन है, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में बोलिए, आप अपने डिस्क्रिप्शन में सेवाएँ दीजिए, अच्छा काम कीजिए, आपके पास प्लेंटी स्कोप है। और मुझे लगता है टसल वगैरह थोड़ा सा जो मतभेद है, चाहे जो दुविधाएँ आती हैं, प्रेशर आती हैं, वो थोड़ा सा सीमित हो रहा है उन्हीं चीज़ों पर आ रहे, लेकिन कार्यक्षेत्र आपका बहुत बड़ा है। अगर आप मान लीजिए कि अधिकारी हैं किसी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े, तो प्राइमरी हेल्थ केयर को सही कीजिए ना, वहाँ कौन सा आपको सांसद आके बोल रहा है, तो ग्रास रूट लेवल पर आपके पास इतना स्कोप है काम करने के लिए। एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन को सही कर दीजिए, आपके प्राइमरी टीचर अपने बच्चे को डाल दीजिए वहाँ पर और डेली जाइए विजिट करने के, क्या पढ़ाते हो आप। तो ये एक्चुअली क्या है ना, हर एक आदमी चाह रहा है कि हम ऊपर से एकदम एक झटके से उड़ा दें चीज़ों को, व्यक्ति मतलब वहाँ ग्रास रूट लेवल पर आपके पास स्कोप है। अब हमेशा आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे पास ये पॉलिटिकल पार्टी का हमारे ऊपर दबाव है, ये लोकल नेता का दबाव है, लोकल नेता का कार्यक्षेत्र अलग है, वो इलीगल काम करेगा, बालू वालू निकालने का, चाहे भट्टा वट्टा चलाने का या दारू चलाने का, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ऊपर से जो सेक्रेटरी वगैरह सचिव लेवल है वहाँ से होता है। मुझे लगता है उनका भी नहीं होना चाहिए, वो भी चाहेंगे कि, क्योंकि जितने शिक्षित लोग हैं और जितने लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो लोग डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको हार्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा। और रहा बलिदान और सेक्रीफाइसेस वगैरह का,
तो देश बचाने में डेली लोग जा रहे हैं, लोग सीमा पर जा रहे हैं, कोरोना में लोग डॉक्टर लोग जा रहे हैं, तो जाता ही रहेगा, बलिदान तो होता ही रहता है। वो तो उस पिलर को बनाना है, को बचाना है, तो किसी न किसी को लोग को तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो सब लोग अगर उसी धारा में बढ़ने लगे तो फिर सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, एनार्की आ जाएगी। तो ये है कि स्कोप आपके पास है, आपके सीनियर वगैरह सब कोलैबोरेट करके रखिए एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर वो उचित समझ रहे हैं, अगर ऑर्डर दे रहे हैं, आपको अनुचित लग रहा है तो आप उनको सलाह कर सकते हैं कि सर ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो आपके पास स्कोप रहेगा सामंजस्य बैठाने का, और गेम भी उसी का है सामंजस्य बैठाने का ही। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे किसी भी ज़िंदगी में, हर एक टाइप की चुनौती है, पारिवारिक ज़िंदगी में भी है तो उस टाइप की चुनौती है, आधिकारिक ज़िंदगी में भी है तो उस टाइप की चुनौती है। तो इसको उस परिवेश के हिसाब से सामंजस्य बैठाने की कोशिश किया जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया का आज के समाज पर क्या प्रभाव है? आपने तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग करते ही होंगे। जी जी जी। कितनी देर तक, क्या कुछ उसके बारे में बताएं? पहले वाला उसका पोर्शन क्या प्रभाव है? सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया जिसका रीच बहुत ज़्यादा है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ उसमें फैलती है, और उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप हमेशा अधिकारी गण पे, अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में वो केस हुआ था, डीएम वगैरह ने कोरोना काल में उसका फ़ोन स्नैच करके फेंक दिया, तोड़ दिया, वो सस्पेंड हो गया। तो ये सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रूप है। अगर कहीं भी ख़राब हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लैगिंग हो रहा है, पॉलिटिकल किसी पार्टी की तरफ से लैगिंग हो रहा है, तो आप ट्रोल कर सकते हैं, उसमें बड़ा दबाव होता है और एक्शन तुरंत होता है। ये तो बहुत उसका अच्छा पहलू है। दूसरा, उसका और भी बहुत सारे अच्छे पहलू हैं। दूसरा नकारात्मक पहलू ये है कि बहुत सारा समय व्यर्थ भी जाता है उसमें, बहुत सारा आप समय चैटिंग वेटिंग में लगाते हैं, इधर उधर के कामों में लगाते हैं, लोगों से जुड़ाव में भी लगाते हैं, तो उस मुझे लगता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि यही है, देखिए हर एक चीज़ जो आती है, टेक्नोलॉजी हमेशा से आई है दोनों तरफ से, पॉजिटिव निगेटिव टेक्नोलॉजी से। अब वही न्यूक्लियर फ्यूल है जिससे एनर्जी भी बन रही है, अब उसी न्यूक्लियर फ्यूल से विनाश भी हो रहा है, न्यूक्लियर बम भी बन रहा है। तो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल है, मुझे लगता है वो ये उपभोक्ता के ऊपर है कि उपभोक्ता उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो उसके पार्टिसिपेंट है या उपभोक्ता है उनको बड़ा सजग होना चाहिए कि हमें, क्योंकि ये बड़ा सर्वे है वो, एक्चुअली वो वैसे उस पर एक पीछे उसकी साइकोलॉजी है कि आपको वो हैबिचुअल बना देंगे। कि आप प्रोडक्ट का यूज करेंगे और हैबिचुअल बनते जाएंगे, और उनका क्या है, आपका डेटा को उठाएंगे, किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को घुमाएंगे, वहाँ से फिर वो उस हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा, फिर उनकी मार्केटिंग होती रहेगी। आर्टिफिशियल बिग डेटा एनालिसिस वगैरह बहुत सारे टूल्स वगैरह हैं, तो इस समय वो उसका विकृत रूप जा रहा है। एक्चुअली निगेटिव रूप, पॉजिटिव रूट भी है, लेकिन निगेटिव रूट ये जा रहा है कि गांव वगैरह के बच्चे इस समय फ्री नेट आ गया है, वो वीडियो देखता है, वो फेसबुक पर बहुत सारा समय निकालता है, और वो उतना एक्टिव नहीं है कि फेसबुक का बहुत सही से यूटिलाइजेशन करे या तुम्हारा ये यूट्यूब वगैरह का सही यूटिलाइजेशन करे। तो मुझे लगता है कि उनके यूट्यूब वगैरह से बहुत, यूट्यूब पर तो वो सागर है अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी पढ़ाई के वीडियो देखिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री देखिए अच्छे अच्छे लोगों का, थोड़ा सा उधर भी जाइए, रुझान कीजिए, फिर हम घूम फिर के तो वही अध्यापक जी हैं, इन्हीं के पास आ जाते हैं। क्योंकि दो ही चीज़ है वो, एक एंशियंट इंडिया में हमारा कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे द्विज का कॉन्सेप्ट है, इंडियन ट्वाइस बॉर्न होता है, दो बार हर एक आदमी का जन्म होता है, एक माता पिता से, दूसरा गुरु से। तो माता पिता से तो हो गया, अब गुरु वाली भूमिका नहीं है, तो गुरु जब आएंगे वही 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 एक है वो, भारत का उद्धार का वही मूल मंत्र है। जब तक गुरु नहीं आएंगे तो नहीं हो पाएगा, दिशा अगर नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, घर घर में कंप्यूटर बैठा लीजिए, एसी बैठा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, वो विनाश हो जाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो जो गुरुशिप का जो पहले हमारे गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था और ज्ञान का कॉन्सेप्ट था, शिक्षा को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डिटैच करके, जो नौकरी का वो वाहन बन गई है कि नौकरी इसी वाहन से लिया जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं डिटैच करके थोड़ा सा अवेयरनेस और जो भी जो चीज़ें हैं वो गुरु हमारे पहुँचाएँ, तो बहुत दारोमदार है गुरुओं पे। भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी? मुझे लगता है भारत के सामने सिर्फ एक चुनौती है, यहाँ गुरु नहीं है, यह बहुत कम हो गए हैं, टीचर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, गुरु नहीं है, यही एकमात्र समस्या है। कर रहे जी छात्रों के लिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे छात्रों के लिए? यही कहेंगे कि आपका मजेदार दिन चालू हो गए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कठिनाई में ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर टाइप के इमोशंस आएंगे, ऐसा लगेगा कभी कभी कि कुछ है ही नहीं, ये ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कभी कभी थोड़ा सा गलत ख्याल भी आने लगेंगे आपके मन में, बहुत ज़्यादा सालों से अगर आप लगे हुए हैं तो लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी, पता नहीं क्यों, मतलब ठीक है हर एक आदमी परेशान होता है, परेशान होना भी चाहिए,
क्या आराम करके करेंगे, परेशान तो आप हमेशा रहेंगे। आपको लगता है जो सुख है मिल रहा है, नौकरी लग गई, शादी हो गई, उसके बाद भी परेशान रहेंगे। परेशानी का कहीं अंत नहीं है, उसका देखने का नज़रिया है। तो आप परेशान मत होइए, उसको सीखिए कि अब कितने सारी चीज़ें सीखे। अगर आप कंपटीशन में नहीं आते, नॉर्मल लाइफ जीते, तो आप क्या सीखते? जो इमोशन का उतार चढ़ाव है, जो बीपी का उतार चढ़ाव है, जो सांसों का उतार चढ़ाव है, सब लोग धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं, सब लोग आपको ताना कस रहे हैं, उसके बाद भी आप अपने आप को बनाए हुए हैं। ये हिम्मत कहाँ से आपके, ये सामंजस्य कहाँ से आपके अंदर आएगा? लड़ने का जज्बा, कुछ करने का, अलग करने का जज्बा, इतना कुछ सीखने का जज्बा, इतना कुछ सीख रहे हैं ना डेली, उसके लिए भगवान का शुक्रिया कीजिए कि आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप लोग इतना सीख भी पा रहे हैं किसी भी माध्यम से। कहाँ आजकल इतना देश में गरीबी है, बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है वो बैठ कर तैयारी करे और सीखे। तो आप लोग कोसिए मत अपने आप को और एम्पावर कीजिए। मुझे वही लगा गुरु विवेकानंद जी के वही हुआ, शिक्षा का दो ही उद्देश्य है, एम्पावरमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग। एम्पावर अपने आप को स्किल से कीजिए, संसाधन आ जाएंगे अपने आप, पैसा हमेशा कमा लेंगे अगर आप सच्ची मेहनत किए रहेंगे तो। पैसा आपसे दूर नहीं जाने वाला है, ठेला लगाने वाला कभी हतोत्साहत। गांधी जी का एक टेलिस्मान था, उन्होंने हमेशा कहा था कि जब आप निराश हो जाएं तो नीचे वाले को देखिए, जब बहुत घमंडी हो जाएं तो ऊपर वालों को देखिए, तो बैलेंस रहेंगे हमेशा। तो ये ज़रूर अपनाइए। आपको लगता है कि जीवन में हम एक पैसा नहीं कमाएंगे तो ठेले वाले को देखिए कितना कमाता है, कि कोई स्किल नहीं है, वो स्किल आपको एक महीने में आ जाएगा जो काम करता है। अब बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत हम पढ़ लें, बहुत कुछ कर देंगे, तो ऊपर वालों को देखिए, तो इससे बैलेंस रहेंगे। मुझे लगता है यही मूल मंत्र है, एक तो जो भी तैयारी कर रहा है उसका यही मूल मंत्र है, ये पकड़ कर रखिए। जब भी निराश हुई तो नीचे वालों को देखिए और क्यों निराश है ये भी देखिए। पैसा कमाने के लिए निराश है तो पैसा कमा लेंगे, हम तो यही बोल लेंगे पैसा कमाने के लिए परेशान तो पैसा कमा लेंगे, अगर नाम बनाने के लिए परेशान है तो नाम भी बना लेंगे। आप अच्छा काम तो कीजिए, यही थोड़े एक रास्ता है कि नाम इसी से बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कंपटीशन निकालेंगे तब भी। आप अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों को गांव दूर दूर गांव तक जानते हैं, वो कौन सा आईएसपीसी सभी बने हुए हैं, बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे। तो हर रास्ता है, हज़ारों रास्ते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो कमरा बंद करके नाचिए बिल्कुल मज़ा लीजिए, ये बहुत मूल्यवान समय है आपको, बहुत भाग्य। एक बार बीत जाएगा आपका कॉम्पिटिशन वाला लाइफ, जब शादी ब्याह हो जाएगा, चाहे पारिवारिक जीवन में आ जाएंगे, चाहे आधिकारिक जीवन में आ जाएंगे, तो बहुत परेशान होंगे, कहा कितना गोल्डन समय था हमारा, कि पढ़ाई के अलावा कोई चिंता ही नहीं थी, अब तो बहुत सारी चिंताएं हैं। तो ये है, बिल्कुल परेशान मत होइए, हंसिए, कभी कभी शीशा लगा के पागलों की तरह भी हंसिए, अच्छा लगता है। कोई ऐसी बात जो हमने ना पूछी हो और आप ना बताए हो लेकिन बताने का मन हो? बात तो बहुत है, अब बहुत कुछ आपने पूछा, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने पूछी। फिर हम यही कहेंगे, जितने भी लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुझे लगता है ऐसे भी लोग होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, वो लोग भी देख रहे होंगे, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव लोग भी देख रहे होंगे। हम तो कहेंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारे पास भी ज्ञान है तो बांटें। YouTube फ्री का चैनल है, वहाँ पर चैनल बनाइए, माध्यम बनाइए, ईयर माइक से भी रिकॉर्डिंग हो जाता है, आप ईयर माइक जो लगा के बात करते हैं घर पर तो उससे भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, जितना है वो बांटिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गुरु लोग को फिर से आगे आने पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, एकदम शाश्वत सत्य है। देश का ना आपका, ना आपके परिवार का, ना समाज का कुछ भी नहीं होने वाला, वो लोग आगे आएंगे तभी कुछ होगा। और जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हतोत्साहित मत होइए, तैयारी करते रहिए, जब सफलता मिलेगी तो तभी तो मज़ा भी तो आएगा, इतना झेले हैं आप। ठीक है, बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।